क्या करते हैं आप? जी बिजनेस करते हैं। कहाँ? पटने में से। किस चीज का? किराना दुकान है सर। कहाँ पर? मीठापुर में सर। मीठापुर में कहाँ? बिगरापुर इलाका में। बिगरापुर पर। बिगरापुर में। कब से? करीब हो गया 10 साल सर। कहाँ के रहने वाले हैं? आरा जिला सर। कोई लोग और यहाँ मकान में कहाँ किराया का है कि अपना है? किराए पर है सर। किस कहाँ पर? वही जो दुकान है उसी के पीछे। ना वो वहाँ रहते नहीं अब किराए पर आप रहते हैं खगौल में। किराए पर खगौल में ही रहते हैं, पटना में ही रहते हैं ना। जी। तो आरा में मेंटेनेंस केस क्यों फाइल किए अपने दामाद के खिलाफ? आरा में इसलिए कि मेरा घर पर और भाई लोग हैं, बाबूजी हैं, सब। वहाँ फाइल होता है मेंटेनेंस केस अगर बाबूजी और भाई आपके वहाँ रहते हैं तो? हम भी मैंने जाते हैं। कब जाते हैं? किराना घर जहाँ घूस जाइएगा, गांव जाइएगा तो वहाँ से मुकदमा करिएगा दामाद पर। वेयर इज द बॉय? उसको गेट पर रोके हुए भेजे हैं। बुलवाइए। पहले वो डिवोर्स केस किया है सर, इसके बाद हम लाचार होके। लाचार होके आप अपने घर बेटी का घर बसने नहीं देना चाहते हैं? दम बसने चाहते तो आपको जब डाइवोर्स केस उन्होंने किया, किए वो किए थे कहाँ किए हैं? सिविल कोर्ट पटना। सिविल कोर्ट पटना में। तो उसी में ना पिटीशन देते मेंटेनेंस का कि अलग से जाकर आरा में एक्स पार्टी ऑर्डर लेना है आपको। यू आर प्लेइंग विद द लॉ। आपको जब सुविधा जहां करेगा वहीं मुकदमा करिएगा। हाँ घर था मेरा वहां। और आपका घर था, बार बार हमको मत समझाइए। दो नंबर आदमी हो तुम। बेटी का घर नहीं बसने दोगे, मुकदमेबाजी करोगे। तुम क्या करती हो, कहां तक पढ़ी हो? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की। शादी के बाद कब हुआ शादी? शादी 15 में हुआ था। हस्बैंड के साथ जाना है कि नहीं? जाना है लेकिन सुरक्षा चाहिए आपसे। क्या सुरक्षा? क्या पुलिस चाहिए? नहीं पुलिस नहीं चाहिए। जैसे वहाँ अपने साथ रखते हैं लेकिन थोड़ा सा मारपीट करते हैं। मारपीट? क्या शराब पीते हैं या मारपीट करें? जाकर पुलिस में केस करो। वहाँ कहाँ पोस्टेड है अभी? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में तो और पुलिस तुमको प्रोटेक्शन देगा। तुम पिताजी के साथ कब तक रहोगी? कितने भाई बहन हो? चार। बाकी भाई सब क्या करता है? अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं। और जब सबकी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा कुछ नहीं रहे बचेगा यहाँ। ये बूढ़े हो जाएंगे कल होकर, जब माँ पिताजी नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगी? जाना है हस्बैंड के साथ? जाना है। सरकारी नौकरी में है, अच्छा कमा रहा है, आज जाओगी? आज जाओगी? हाँ तैयार हैं जाने। तैयार हो तो यहीं से जाओ। कपड़ा वपड़ा खरे? हाँ घर पे बेटी है। बेटी को लेके आओ। घर से जाएंगे ना हम? तो घर पर भेज रहे हैं तुमको, तुम्हारे घर आज जाएगा वो लेके लेने, और तुम उसके साथ बेटी और अब खुद जो भी थोड़ा बहुत सामान लेकर जाओ। विशाखापट्टनम लेकर जाएगा, कोई दिक्कत होगा तो इस केस को हम पेंडिंग रखते हैं। हाँ हमको उनके साथ ही रहना है, हमको ससुराल में अकेले नहीं रहना है। हाँ तुमको ससुराल नहीं भेज रहे हैं, तुमको विशाखापट्टनम भेज रहे हैं। ठीक है। यस मिस्टर एएसपी प्लीज कम। आई विल टेल द हस्बैंड टू टेक हर टू विशाखापट्टनम। And in this, if this father plays any truant, then please take care of that. Sure, sir. If there is any problem, the boy will go and meet you. Definitely, sir. आप अपने किसी जूनियर अफसर को जो भी महिला आई हैं इनको ऑथराइज कर दीजिए कि कम से कम इन दोनों को ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचा दें, और ये लोग विशाखापट्टनम। आपका टिकट विकट हो गया है? आपका तो क्लाइंट ही नहीं आया है। तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है? आज शाम में चले जाओ विशाखापट्टनम। यहीं से ना, हम तो यही समझ ही रहे थे। बेटी कहाँ? बेटी घर पर है ना? बेटी इसके पास है। हाँ हाँ घर से लाना होगा ना हम इनको। मैं ले आऊंगा सर। हैं? हाँ हाँ तुम ले, तुम ही ले आना। टिकट करा लिए हो विशाखापट्टनम का? क्या फ्लाइट या ट्रेन? ट्रेन सर। आज शाम का है? आज शाम का नहीं सर, 11 तारीख को मिला सर। 11 आज तो। अभी घर कहाँ है तुम्हारा? यहाँ दुकुलो सर, जगनपुर थाने। घर में कौन कौन रहते हैं? मम्मी पापा। तुम लोग कोई बदतमीजी नहीं करते हो ना इनके नहीं साथ? नहीं सर।
ठीक है, अभी यहाँ से प्लीज डायरेक्ट योर ऑफिसर्स टू गो विथ हर एंड द फादर एंड द बॉय, दे विल टेक केयर टेक द चाइल्ड एंड दे शुड गो टू देयर पटना हाउस एंड ऑन 11 दे विल गो टू विशाखापट्टनम एंड दिस फेलो शुड नॉट इंटरफियर, इफ ही इंटरफियर्स रजिस्टर ए केस अगेंस्ट हिम बिकॉज ही इज द क्रूक विथ मैरिज, ही इज नॉट अलाउइंग दिस daughter to settle. Likhiye, heard the parties on the direction of this court, the girl Neha Kumari and her father have been produced by the police, by the ASP Danapur. In court, this court has interacted with the girl as well as the father. It seems that the father is not interested in restoration of the relationship of his daughter, of his matrimonial relation, of the matrimonial relationship of his daughter, and he is the impediment in the same. He filed a case of maintenance in Ara, though the girl and he and the father are staying in Patna, and there was no need of filing a maintenance case at Ara. A divorce case was filed at Patna by Deepak Kumar. Divorce case mein abhi aage nahi badhoge, hum stay kar rahe hain. And after interacting with him, this court feels that he is interested in taking back his wife and child to Visakhapatnam, and the girl petitioner Neha Kumari is also interested in going there. The petitioner and her child will accompany the husband, Deepak Kumar, today to the matrimonial home at Patna. If any assistance is required, the local police will provide all the assistance. If the father of the girl creates any trouble, appropriate legal steps be taken by the police against the father of the girl during pendency of this case. Stay already. Dusra cheez, during pendency of this case, the further the operation of the order dated maintenance order. Already stayed. Maintenance order. क्या करते हैं आप? मेरे साथ तो चलिए. 24 सितंबर 2022 का पास्ट बाय द प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट आरा इन मेंटेनेंस केस नंबर 197 ऑफ 2017 शैल रिमेन स्टेड. ठीक है, लिस्ट दिस केस आफ्टर इन द लिस्ट दिस केस ऑन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में लगाइए, सेकंड वीक में बुधवार को लगा दीजिएगा. If the relationship between the parties is cordial, they are not required to personally appear in this case, and their respective lawyers will inform the court about the their respective lawyers will appear on that date only. With ठीक है, put up. नहीं कर सकते पूरा हाई कोर्ट, तो हमको हर केस पार्ट आउट करना होगा. अब इसके बाद कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए. जाओ, तुम्हारा छुट्टी उट्टी रेगुलराइज हो जाएगा कि उसमें तुम्हारा ऑफिसर दिक्कत करेंगे. The apprehension of the petitioner that his leave may not be regularized is misconceived, as he has been attending the hearings in this court, and he will not, it is expected that his leave is regularized by his superiors. ये भी लिखा दिया, ठीक है. अरे वही, वो सब कर देंगे, पवन जी कर देंगे. माय वन प्रेयर लेट मी लॉर्ड से वन टाइम बोथ कम बिफोर द कोर्ट. काहे के लिए फिर नहीं होगा जैसे हुजूर नहीं हुआ? आपको नहीं होगा, इनको होगा, और हम तरीका जानते हैं. विशाखापट्टनम के चीफ कमिश्नर को हम यहीं से नोटिस कर देंगे, आपका कांटेक्ट हो जाएगा. सबका तरीका है, ठीक है, भाग नहीं सकते ये. दोनों इनकम टैक्स में है, तो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स,
जरूरत पड़ेगा। थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए आप कुछ रेस्टोर कराए आप लोग। जाइए अब आप अभी घर जाइए उनके साथ, बच्ची को लीजिए, सामान को लीजिए, और हस्बैंड भी आपके साथ अभी जाएंगे, और फिर अपने ससुराल जाइए और विशाखापट्टनम जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सीरियल नंबर 47।